कीजिए हमारे चैनल टेक्निकल गाइज हिंदी को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल टेक्निकल गाइज हिंदी में। तो आज हम बात करने वाले मोबाइल फ़ोटोग्राफी को बेहतर कैसे बनाए या मोबाइल फ़ोटोग्राफी को यादगार कैसे बनाए। तो आज मैं आपको कुछ ऐप्स के बारे में बताऊंगा जो आपकी मोबाइल फ़ोटोग्राफी को यादगार बना देंगे। अगर आप मोबाइल फ़ोन से फ़ोटोग्राफ लेने के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर करना चाहते हैं तो खास ऐप्स आपकी मदद करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं रोज़ाना इसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ जिनकी अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आप जैसे कि आप जानते हैं ज़्यादातर लोग अपने स्मार्टफोन कैमरा का इस्तेमाल पिक्चर लेने के लिए ही करते हैं। इनसे ज़्यादातर पिक्चर सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए जाती है, लेकिन सारी पिक्चर्स खूबसूरत नहीं होती हैं, इन्हें सुंदर बनाना पड़ता है। ऐसे में फ़ोटो एडिटिंग ऐप्स आपके लिए काम का साबित हो सकता है। इस समय प्ले स्टोर पर ऐप स्टोर पर ढेर सारे फ़ोटो एडिटिंग ऐप्स हैं, लेकिन कुछ ऐप्स ही काम के हैं। जानते हैं मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए बेस्ट फ़ोटो एडिटिंग ऐप्स के बारे में। हमारा फर्स्ट ऐप्स है इंस्टाग्राम। यह ऐप iOS और एंड्रॉयड डिवाइसेस पर दोनों में काम करता है। बिलियन से ज़्यादा यूजर्स के साथ इंस्टाग्राम दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले फ़ोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। पिछले कुछ सालों में इसमें लगातार सुधार हुए हैं। अब यूज़र्स बेहद आसानी से फ़ोटो क्लिक, एडिट और पब्लिश कर सकते हैं। फ़ोटोज़ को मोबाइल फ्रेंडली मैनर में फ़िल्टर्स की मदद से शानदार बनाया जा सकता है। जो लोग अपने दोस्तों से के साथ जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन पसंद करते हैं, यह ऐप उनके लिए है। यह काफ़ी अट्रैक्टिव ऐप है। सेकंड ऐप से VSCO। यह मोबाइल डिवाइस पर फ़ोटो एडिटिंग और शेयरिंग के लिए बेहतरीन ऐप्स में से एक है। इसमें मिनिमलिस्ट इंटरफेस है। आपको इसे समझने में थोड़ा समय लग सकता है, पर एक बार आदत पड़ जाने के बाद यह ऐप आपको काफ़ी इम्प्रेस करेगा। यह यूज़र्स को फ़ोटोज़ कैप्चर करने, उन्हें एडिट करने और पब्लिश करने की भी इजाज़त देता है। थर्ड ऐप से प्रिस्मा। यह पिक्चर्स को खूबसूरत बनाने के साथ आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स भी जोड़ सकता है। कला और स्पेशल इफ़ेक्ट्स पसंद करते हैं तो यह ऐप आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। इस ऐप्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके डेवलपर्स लगाकर अपडेट्स और नए इफ़ेक्ट पर भी काम करते हैं। फोर्थ ऐप है स्नैपसीड। अगर पिक्चर्स में डिटेल्स पर ध्यान देते हैं तो इस ऐप्स में विस्तृत फ़ोटो एडिटिंग ऑप्शन प्राप्त कर सकते हैं। यह ऐप सोशल मीडिया पर जल्दबाजी में एडिटिंग और शेयरिंग करने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि यह ऐप सीरियस एडिटिंग पसंद करने वाले यूज़र्स के लिए बनाया गया है। फिफ्थ ऐप है पिक्सलर। यह ऐप इफ़ेक्ट्स, ओवरवले और फिल्टर्स से फ़ोटोज़ को खूबसूरत बना सकता है। यह फ़ोटोज़ को पेंसिल ड्राइंग, इंक स्केच, पोस्टर के रूप में पेश कर सकता है। आप सेल्फी को सुंदर बना सकते हैं इस ऐप से। सिक्स्थ ऐप से एडोब फोटोशॉप फिक्स। यह ऐप iOS और एंड्रॉयड डिवाइस पर काम करता है। यह डेडिकेटेड रिचिंग और रिस्टोरिंग ऐप्स है। इसमें हिल, स्मूथ, लिक्विफाई, लाइटन आदि टूल्स है। एडोब ऐप्स के साथ सबसे खास बात होती है कि इसमें क्लाउड एक्सप्रेस मिलता है। आप इससे आप किसी भी एडोब ऐप पर अपने प्रोजेक्ट को आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं। सेवंथ ऐप है एवायरी। यह पावरफुल फ़ोटो IPI का शानदार प्रदर्शन करता है। यह ऐप अपने आप में फुल फीचर्स फोटो एडिटिंग ऐप से। यह एक्स्ट्रा इफेक्ट, फिल्टर्स और ब्यूटिफिकेशन ऑप्शन देता है। यह अपने कंपटीटर्स के मुकाबले सबसे ज़्यादा करेक्शन और इनहाइटेंस टूल्स ऑफर देता है। तो ये थे कुछ खास ऐप्स जिनसे आप अपनी फ़ोटोग्राफी को यादगार व बेहद तरीके से अच्छे फ़ोटोग्राफी एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि मैं रोज़ाना ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ जिनकी अपडेट आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।